ओम शांति। बाबा ने हमको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया और सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया है। ऐसा जीवन कभी किसी का हो ही नहीं सकता जिसमें कदम कदम पर परम सद्गुरु की गाइडेंस प्राप्त हो, जिसमें हर कदम पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने का वरदान मिला हुआ हो, जिसमें हर कदम दूसरों के लिए कल्याणकारी और सुखदायी हो। श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ जीवन, हमें इसका अपने जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाना है, जिसको बाबा कहते चेहरे और चलन से सेवा करनी है। आज तक ये देखा गया है जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है उनके परिवार के अनेक लोग, आसपास के अनेक लोग ज्ञान मार्ग पर चल पड़ते हैं, और जो बहुत निगेटिव हैं, जिन्होंने अभी तक अपने क्रोध पर काबू नहीं किया, जिनके रॉयल मैनर्स नहीं हैं, जिसका व्यवहार अभी ब्राह्मणों जैसा नहीं हुआ है, उनसे लोग दूर भागते हैं और इससे डिसर्विस भी बहुत होती है और इसका बुरा फल उन आत्माओं पर भी पड़ता है जिनके कारण डिसर्विस हुई, उनको इसका फल निगेटिव फल मिलता है। इसलिए हम ध्यान दें, बाबा ने जो कुछ हमें कहा है उसको हम अपने जीवन में उतारें, और श्रेष्ठ और प्रत्यक्ष धारणाएं होती हैं मनुष्य के सुनहरे बोल, उसकी श्रेष्ठ भावनाएं, उसका रॉयल व्यवहार, इन्हें तो लोग देखते हैं। क्रोध से मुक्त जीवन, अभिमान से मुक्त जीवन, ये कुछ चीजें यदि हम याद रखें तो हमारा जीवन ही सर्विसेबल जीवन बन जाए। कोई मनुष्य, कोई ब्राह्मण यदि बहुत सेवा तो करता हो, रात दिन सेवाओं में लगा हो, लेकिन उसकी मनोस्थिति श्रेष्ठ नहीं, तो उससे सर्विस की बजाय डिसर्विस ज्यादा होती है, इसलिए उसके भाग्य का खाता नीचे उतरने लगता है, ग्राफ नीचे जाता है। पर एक वो व्यक्ति जो बहुत सेवाएं तो नहीं करता लेकिन जिसकी स्थिति बहुत महान है, उसको देखकर सभी प्रेरणाएं लेते हैं कि जीवन हो तो ऐसा हो, ये सदैव तनाव मुक्त रहते हैं, ये चिंता मुक्त रहते हैं, ये बहुत संतोषी बन गए हैं, जब से इन्हें ज्ञान मिला ये शीतल हो गए हैं, इनका व्यवहार सभी से बहुत मृदु हो गया है। ऐसे व्यक्ति से सेवाएं बहुत होती हैं, बाबा का नाम रोशन होता है। तो आइए हम सभी संकल्प करें कि हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन से सबको बाबा का संदेश देना है, अपनी सूरत से सभी को बाबा का स्वरूप दिखाना है, और वो समय आ रहा है जिन्होंने अपने अंदर श्रेष्ठ धारणाएं की होंगी, पवित्रता में जो बहुत स्ट्रांग हो गए होंगे और जिनका योग भी बहुत सुंदर होगा, उनसे बाबा का साक्षात्कार हुआ करेगा। इसलिए हम सभी अपने को भी समय दें। कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं, ज्ञान तो ले लिया परंतु वे अपने को समय नहीं देते हैं। एकांत में आधा घंटा रोज यदि आप स्वयं को देंगे तो उन्नति बहुत होगी। उसमें चिंतन करें, अपने से बातें करें, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या कर लेना चाहिए, इस पर गहन चिंतन करें, तो स्थिति में बहुत ज्यादा बल बढ़ता जाएगा। तो आइए हम बाबा का स्वरूप अपने जीवन से दिखाएं। बाबा कहा करते हैं, संसार में कोई ऐसा दर्पण नहीं जिसमें भगवान दिखाई देता हो, पर तुम अपने चेहरे को ऐसा दिव्य दर्पण बनाओ जिसमें सबको बाप का साक्षात्कार होता रहे, दर्शन होते रहें। हम सभी ऐसा ही करेंगे क्योंकि सभी देवकुल की आत्माएं बाबा से मिलने के लिए थरस
तरस रही हैं, हमें उनकी कामनाओं को पूर्ण करना है। आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य से बाबा की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं और जग के अंधकार को दूर कर रही हैं। ओम शांति।